गुड मॉर्निंग, आई एम बीके शर्मा फ्रॉम माइक्रो स्कूल जीजीसी। हाउ आर यू? आई एम फाइन। यू मस्ट बी फाइन। हाउ इज योर फादर? ही इज फाइन। हाउ इज योर मदर? शी इज फाइन। तो गाइस, ए वीक डिजायर कांट प्रोड्यूस ग्रेट रिजल्ट्स। इसका मतलब होता है कमजोर इच्छा शक्ति से आप बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकते। एक बच्चा था, एक गुरु के पास गया। गुरुजी, मैं एक बहुत बड़ा आदमी, सफल आदमी बनना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू? बाबा ने कहा, गुरुजी ने कहा, उन संत ने कहा, साधु ने कहा कि आप कल आइएगा, कब तुम्हारो? मैं बच्चा दूसरे दिन फिर गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कहा, यहां नहीं बताऊंगा, नदी पे चलो। तो वो उनको नदी पे ले, ही टुक हिम टू द रिवर। नदी पे पहुंच गए। नदी पे पहुंचने के बाद में कि बेटा नदी के अंदर चलो, उसको उसकी कमर तक के वाटर, वेस्ट तक के वाटर में ले गए। क्या और आगे चलो, चेस्ट तक के वाटर में ले गए, यहां तक सीने तक का पानी। कि अब बताओ, तो गुरुजी ने उसकी गर्दन को पकड़ा ऐसे और पकड़ करके पानी में दे दिया। अब जैसे पानी में उस बच्चे की गर्दन गई, वो तड़फड़ाने लग गया। तो उसने गुरुजी का हाथ अपने दांतों से काटा और काट करके अपने आप को छुड़ाया और बाहर निकला और सांस लेने लगा। गुरुजी से बोले, आप तो मुझे मारना चाहते हैं। नहीं, मैं मारना नहीं चाहता, मैं तुम्हें सिखाना चाहता कि तुम्हें आजाद होने के लिए, सांस लेने के लिए मुझे काटना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। कमजोर इच्छा शक्ति से रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तभी तो तुम बाहर आ पाए। अगर सफलता के लिए इस तरीके से जुझारू बन जाओगे तो सफलता आपके कदमों में होगी। एक दूसरा रिजल्ट देखिए, एक कमजोर अगर मोमबत्ती से अगर आप चाय बनाएंगे, चाय बन जाएगी। हाउ कम इट्स पॉसिबल? संभव नहीं। चाय कब बनेगी? जब 100 मोमबत्तियों का ऐसा बंडल बनाओगे, उसको बहुनी के नीचे रखोगे, आग लगाओगे तो चाय बन जाएगी। तो कहने का मतलब, ए वीक डिजायर कांट प्रोड्यूस ए ग्रेट रिजल्ट्स। कमजोर इच्छा शक्ति से आप अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले सकते, नहीं पा सकते। आपके टॉपिक, हियर वी गो। टॉपिक ए, यू वर टू एक्शन। तुम्हें ये काम करना था। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? ही डिडंट टेल मी, सो आई डिडंट एक्शन। उसने मुझसे कहा नहीं, मैं कर नहीं सका। इफ ही हैड टोल्ड मी, यदि उसने मुझसे कहा होता, आई वुड हैव एक्शन थर्ड। मैं इस काम को कर चुका होता। एक्शंस गेट द हाउस पेंटेड, घर की पुताई करवा दो। गेट द हाउस पेंटेड, गेट द कार सर्विस, कार की सर्विस करवा लो। गेट द कार सर्विस, गेट द हेयर कट, बाल कटवा लो। गेट द हेयर कट, जब कोई काम आप खुद नहीं करेंगे, यानी बाल कटवाने तो खुद थोड़ी कटोगे, बार्बर के पास जाओगे, फिर उससे बाल कट, यानी किसी अन्य के द्वारा हम जब काम करवाते हैं तो हमको गेट पॉजिटिव वर्ब लाना पड़ेगा। और जब गेट आएगा तो उसके लास्ट में जो फॉर्म आएगी वो थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे पेंटेड, सर्विस, कट। ध्यान रखिएगा, कहते ना, इसे बदलवा लो, गेट इट चेंज्ड। इसकी रिपेयरिंग करा लो, गेट इट रिपेयर्ड। और बाल कटवा लो, गेट द हेयर कट। कार की सर्विस करा लो, गेट द कार सर्विस। और घर को पेंट करा लो, गेट द हाउस पेंटेड। तो ध्यान रखिएगा, हियर वी गो। यू वर्क टू गेट द हाउस पेंटेड, तुम्हें घर की पुतवाई करानी थी, पेंट करवाना था। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? ही डिडंट टेल मी, सो आई कुडंट गेट द हाउस पेंटेड। उसने मुझसे बताया नहीं, इसलिए मैं घर की पुताई नहीं करा सका। इफ ही हैड टोल्ड मी, यदि उसने मुझसे कहा होता, आई वुड हैव, ध्यान रखना, वुड
है कब यू, मैं करा चुका होता, चुका होता, चुकी होती, चुके होते, यानी कोई काम करते करते रह गए लेकिन हुआ नहीं पूरा। आई गुड है गॉड द हाउस पेंटी एक्शन थर्ड, जैसे गुड है शुड है गुड है आएगा एक्शन थर्ड। आई गुड इफ यू हैड टोल्ड मी आई गुड हैव गॉट द हाउस पेंटी यू वांट टू गेट द कार सर्विस व्हाट हैपेंड ही डिडंट टेल मी सो आई कुडंट गेट द कार सर्विस इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव गॉट द कार सर्विस यू वांट टू गेट द हेयर कट व्हाट हैपेंड He didn't tell me, so I couldn't get the hair cut. If he had told me, I would have got the hair cut. If he had told me, I would have got the hair cut. तुम्हें बाल कटवाने थे क्या हुआ? उसने मुझसे कहा नहीं, so मैं करवा नहीं सका। यदि उसने मुझसे कहा होता, I would have got the hair cut. तो मैं बाल कटवा चुका हूँ। नेक्स्ट टॉपिक भी डिड यू एक्शन, क्या तुमने ये काम किया? नो आई डिडंट एक्शन, नहीं मैंने तो नहीं किया। यू शुड हैव एक्शन था, तुम्हें करना चाहिए था। सॉरी आई फॉरगॉट टू एक्शन, माफी चाहता हूं मैं भूल गया। कोई भी एक्शन ले लिया, गो टू कॉलेज, डिड यू गो टू कॉलेज, डिड यू गो टू कॉलेज, कॉलेज गए थे? नो आई डिडंट गो टू कॉलेज, नहीं मैं तो नहीं गया। यू शुड हैव, शुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव गॉन टू कॉलेज, कॉलेज जाना चाहिए था। सॉरी आई फॉरगॉट टू गो टू कॉलेज, माफी चाहता हूं मैं कॉलेज जाना भूल गया। ब्रिंग वेजिटेबल्स, इन्फॉर्म पेरेंट्स, मैं कभी को इन्फॉर्म पेरेंट्स, माता पिता को सूचना देना। ब्रिंग वेजिटेबल्स, सब्जी लाना। मैं का रिपोर्ट, रिपोर्ट बनाना। डिड यू इन्फॉर्म द पेरेंट्स? नो आई डिडंट इन्फॉर्म द पेरेंट्स। You should have informed the parents. तुम्हें parents को सूचित करना चाहिए था। Sorry, I forgot to inform the parents. इसलिए माफ चाहता हूँ मैं parents को inform करना भूल गया। Bring vegetable. Did you bring vegetable? तुम्हें सब्जी लानी थी? No, I didn't bring vegetable. नहीं मैं सब्जी नहीं लाया। You should have brought vegetable. तुम्हें सब्जी लानी थी। क्या हुआ? Sorry, I forgot to bring vegetable. माफ चाहता हूँ मैं सब्जी लाना भूल गया। Make the report. Did you make the report? Did you make the report? क्या तुमने रिपोर्ट बना ली? No, I didn't make the report. You should have made the report. Sorry, I forgot to make the report. माफी चाहता हूं मैं रिपोर्ट बनाना भूल गया। A weak desire can't produce great results. कमजोर इच्छा शक्ति से हम अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले सकते। ध्यान रखिएगा, हमारी इच्छा शक्ति strong, have strong will power, have strong desire. और कभी हिम्मत मत हारो, नेवर लूज हार्ट। कम हार्ट में जो कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं आना चाहिए। वे इज द विल, दे इज द वे, जा रहा वा चा, जा चा वा रा, वे इज द विल, दे इज द वे। तो नेवर लूज हार्ट, हिम्मत मत हारो। क्या करूंगा, अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, अरे जो होना है वो हो के रहेगा, वास्ट टू हैपन मस्ट हैपन। कोरोना आपके लिए थोड़ी हुआ है, सारी दुनिया में हुआ है, सब टेंशन में, पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो चुकी है, सब लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं, सबके व्यवसाय संस्थान डिस्टर्ब हो चुकी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आज आवश्यकता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें, ऑनलाइन क्लासें ले, और आप भी अपनी ईमानदारी से बी ऑनेस्ट, ए पर्सन शुड बी ऑनेस्ट, अपनी क्लासेस को लें, टाइम टू टाइम ले, होमवर्क करें, टॉपिक के नीचे इन पे होमवर्क करें, टॉपिक के नीचे भी का होमवर्क करें। हियर वी गो, टू रेस्ट इज टू रेस्ट, इसका मतलब होता है आराम हराम है, आराम नहीं करना, भागते रहो, दौड़ते रहो, लाइफ बहुत शॉर्ट है, समय बहुत कीमती है, गो अलोंग विद द टाइम। टू रेस्ट इज टू रेस्ट। लेजीनेस लीड्स टू फेलियर, असफलता में किधर ले जाती है? फेलियर, असफलता। लेजीनेस आलस, असफलता की ओर ले जाता है। लेजीनेस लीड्स टू फेलियर, और हार्डवर्क लीड्स टू सक्सेस, और कठिन मेहनत अभी सफलता की ओर ले जाती है। डू वर्क हार्ड, बी हार्ड वर्कर, डोंट बी बक्शाय, कमजोर इंसान नहीं बने।
नॉट विवक्ष ए पर्सन शुड नॉट विवक्ष ऑल हैबिट्स डाई हार्ड कहते हैं ना ऑल हैबिट्स डाई हार्ड पुरानी आदतें बहुत कम होती किसी को जैसे टेल लाइक बोलने की आदत है तो उसको धीरे धीरे टाइम लगता है लेकिन ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड कहते हैं ना वही सब पुरानी आदत बहुत कम जाती है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड डोंट टेल लाइक झूठ मत बोलो आई नो यू हैव गॉट ओल्ड एंड ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड पुरानी आदतें जाती सी जाती हैं ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड आई एडमिट माय मिस्टेक ध्यान रखिए जब भी कोई गलती होती है टू इरर इज ह्यूमन इंसान से गलतियां होती हैं तो गलती होती है तो उसको रैशनलाइज नहीं करें अपनी गलती को खुले मन से स्वीकार करें आई एडमिट माय मिस्टेक मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं आई एडमिट माय मिस्टेक व्हेनेवर आई टॉक टू माय बॉस आई फील टंग टाइड कहते हैं ना जब भी मेरे बॉस से मैं बात करता हूं भाई साहब मेरी जान मेरी जो जवान है वो बंद हो जाती है Whenever I talk to my boss, I feel tongue-tied. यानी मेरी जवान से कोई शब्द नहीं निकलता I feel tongue-tied. जवान ही बंद हो जाती है तो ध्यान रखिए जब बड़ा कोई व्यक्ति कोई गलती करता है तो इनडायरेक्ट उनके कहें सॉरी सर आई एम अफ्रेड सर माफी चाहता मुझे खेद है यू आर मिस्टेकन आप गलत है अपने बॉस से अगर आप कह देंगे मिस्टर यू आर रॉन्ग यू आर मिस्टेकन तो वो नाराज हो सकता है आपको जॉब से निकाल सकता है इसलिए द मोर यू इनडायरेक्ट द मोर यू पोलाइट थोड़ा इनडायरेक्ट उनके कहें सॉरी सर आई एम अफ्रेड यू आर मिस्टेकन आप गलत है इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए यू आर मिस्टेकन ओके गिव मी हग गिव मी फाइट ध्यान रखिएगा कहते हैं जब दो मित्र को अच्छी सफलता मिलती है तो कहते ना यार दे ताली किसी बात पे गिव मी फाइट देते ना अपन ताली इस तरीके से गिव मी फाइट गिव मी फाइट गिव मी फाइट और गले लगने को गिव मी हग सो गाइस ओके सी यू टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस वीडियो को लाइक और शेयर करना थैंक यू बेस्ट ऑफ लक